बाबर ही जिताएगा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप। जी हां, इन दिनों पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। फॉर्मेट चाहे T20 हो चाहे वनडे हो, बाबर आजम दोनों ही फॉर्मेट में ICC की बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर वन खिलाड़ी हैं। इसीलिए क्रिकेट के एक दिग्गज ने कहा है कि बाबर आजम ही जिताएगा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप। कौन है ये दिग्गज और आखिर ऐसा ये क्यों कह रहे हैं कि बाबर आजम ही पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता सकते हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए एक छोटा सा काम। काम आपको क्या करना है, आपको स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो हम बात कर रहे थे कि बाबर आजम ही जिताएगा पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप। अगर आप पिछले T20 वर्ल्ड कप को देखें तो पाकिस्तान की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार भारत को मात दी थी। इतना ही नहीं, भारत को उन्होंने 10 विकेट से हराया था। तो उसके बाद भी पाकिस्तान का प्रदर्शन लाजवाब रहा था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना चकनाचूर हो गया था। लेकिन इस साल का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है और अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रहे रिकी पॉन्टिंग को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ही इस टीम को T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिता सकते हैं। ऐसा रिकी पॉन्टिंग को इसलिए लगता है क्योंकि उनको लगता है कि बाबर आजम इस समय शानदार फॉर्म में है और उनका बल्ला खूब रन बना रहा है, रंग जमा रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ रिकी पॉन्टिंग ने कुछ और बातें भी कही हैं, जिनको सुनने के बाद आपको यह भी लगेगा कि बाबर आजम एक तरफ तो पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बना सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही बाबर आजम जो हैं वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें भी पैदा कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, तो रिकी पॉन्टिंग ने जो कहा है सबसे पहले आपको वो बताते हैं। रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि बाबर आजम ही पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता सकते हैं, लेकिन अगर बाबर आजम टूर्नामेंट में रन नहीं बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट को जीत सकती है। तो देखा आपने कि एक तरफ तो रिकी पॉन्टिंग कह रहे हैं कि बाबर आजम दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं, वो इस टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रिकी पॉन्टिंग इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि अगर बाबर आजम का बल्ला नहीं चलता है तो फिर पाकिस्तान के लिए यह T20 वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा रिकी पॉन्टिंग ने यह भी बताया कि कौन सी दो टीमें जो हैं इस बार T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल सकती हैं, और इतना ही नहीं उन्होंने तो विनर का नाम भी बता दिया है। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या कहा है रिकी पॉन्टिंग ने। रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि इस साल जो T20 वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया में होना है, तो ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास एक और शानदार मौका है T20 वर्ल्ड कप की दूसरी ट्रॉफी जीतने का। और उन्होंने कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम इस साल का फाइनल खेल सकती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन सकती है। लेकिन पाकिस्तान को लेकर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाबर आजम ही हैं जो पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जिता सकते हैं, लेकिन अगर बाबर आजम का बल्ला नहीं चला तो फिर पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट को जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनेगी, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और यह भी बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या इस बार पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड चैंपियन बन पाएगी? फटाफट से कमेंट कीजिए और अपनी राय हमें जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो अपने दोस्त प्रदीप सहगल को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।